कक्षा 12वीं पास करने के बाद विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है सही करियर का चुनाव करना। आज के समय में हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है, लेकिन अब यह आसान नहीं है। लेकिन अगर कक्षा 12वीं आपने बायोलॉजी से की है, 12वीं पास करने के बाद आप आयुर्वेद में अपना करियर बना सकते हैं और न सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं बल्कि एक मोटी सैलरी भी प्राप्त कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में आयुर्वेद अस्पताल में पदस्थ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष मौर्य, जो कि 16 साल का अनुभव रखते हैं, उन्होंने लोकल आइटिन को बताया है कि जिन विद्यार्थियों ने हाल ही में कक्षा 12वीं पास की है, अगर उनका सब्जेक्ट बायोलॉजी विषय था और मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आयुर्वेद उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। वर्तमान में और भविष्य में आयुर्वेद में बेहतर स्कोप है, क्योंकि आयुर्वेद में हर चीज़ बड़ी आसानी से उपलब्ध है। आयुर्वेद में डिग्री डिप्लोमा करके सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं या फिर खुद का निजी क्लिनिक भी खोल सकते हैं। लेकिन कैसे और कहां से, चलिए डॉक्टर से जानते हैं। जैसे कि बच्चे जो 12th पास हुए हैं, वो बच्चे मोस्टली जो नीट की एग्ज़ाम होती है, जिसमें मेडिकल से संबंधित जितने भी कोर्सेस होते हैं, सभी कोर्सेस के लिए नीट का एग्ज़ाम देना रहता है। तो वो देने के बाद जैसे कि बच्चों की अपनी पसंद के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार फिलिंग किया जाता है कि उसको MBBS में जाना है या फिर आयुर्वेद में जाना है, होम्योपैथ में जाना है, यूनानी जाना है, तो उसमें फिर अपनी चॉइस फिलिंग होती है। जो बच्चे आयुर्वेद में आना चाहते हैं, वो नीट के ड्यूरेशन में अपनी जो भी मार्किंग मेरिट के अनुसार उनको जो भी मिलता है सब्जेक्ट या जो भी फैकल्टी मिलती है, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, उनके अपने चॉइस के अनुसार उसको फिल करें और आयुर्वेद में अगर आना चाहे तो आयुर्वेद में भी भविष्य ठीक है हर बच्चे का, क्योंकि आज के इरा में हम आप सभी देखते हैं कि आयुर्वेद में हर चीज़ें बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छी उपलब्ध रूप में, अच्छे तरीके से सभी चीज़ें उपलब्ध है। कॉलेज भी हमारे यहाँ पे सभी, जैसे कि आज के समय में 7 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं, बाकी हर जगह इंदौर भोपाल में प्राइवेट कॉलेज जैस भी है, जहाँ जिसकी जैसी सुविधा जैसा मेरिट होता है उस हिसाब से एडमिशन ले लें। यह भी MBBS की तरह 4-4.5 साल का एक कोर्स होता है, उसमें 1 साल की इंटर्नशिप रहती है उसके बाद, और उसके बाद भी जैसे कि जॉब के पर्पज़ से भी, जैसे कि हर जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी इसकी मतलब क्या कह सकते हैं कि स्कोप रहता है। सर, 12वीं में कौन बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम दे? जो बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट से जिनका 12th जिन्होंने किया है, वो लोग इसमें योग्य होते हैं परीक्षा देने के। सर, यहाँ अगर फील्ड में बच्चा आता है, सिलेक्शन हो जाता है, डिग्री कर लेता है, उसके बाद आगे फ्यूचर में सर क्या उसको और पदोन्नति मिल सकती है, कहाँ तक जा सकता है बच्चा? अगर यहाँ पे जैसे BMS करने के बाद वो चाहे तो MD MS कर सकता है, PG जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं वो कर सकता है। ओवरऑल इंडिया में जैसे अगर हम देखे जाएँ, बड़े बड़े बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, जैसे जयपुर का है, जामनगर में है, बनारस में है, फिर महाराष्ट्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, फिर दिल्ली का एम्स है, गोवा का एम्स है, यहाँ पे सभी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, बच्चा वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट कर सकता है, उसके बाद वो कॉलेज में जा सकता है, अपना पर्सनल चिकित्सा के क्षेत्र में अपना व्यक्तिगत रूप से अपनी क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल सेटअप करके वो कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत स्कोप है। सर, वैकेंसी में बात करें तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती होगी, तो मतलब कितना कमा लेगा? गवर्नमेंट में बहुत संभावनाएं है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मध्य प्रदेश शासन ने नए कॉलेजेस 5 आयुर्वेद खोलने की घोषणाएँ की है, तो वो सभी खुलेंगे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी डॉक्टर से जो भी जाएंगे वो BMS और MD करे हुए डॉक्टर की ही वहाँ पे नियुक्तियाँ होगी, तो ये सब अपॉर्चुनिटियाँ समय समय के अनुसार बनती रहती है। BMS के बाद MD होता है, MD के बाद PhD करिए, बहुत सारे स्कोप होता है, योग में आप चले जाइएगा, फिर इधर फार्मेसिस के इसमें सब सब्जेक्ट में, PG अलग अलग सब्जेक्ट में होती है, आपके इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट लेके आप उस फील्ड को चूज सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज तो 12th के बाद ही हो सकता है, उसमें नीट की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। आयुर्वेद फार्मेसीज होती है, आयुर्वेद पर पंचकर्म टेक्नीशियन होता है, आयुर्वेद में फिर अपना पंचकर्म टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, इस तरीके के जो डिप्लोमेज होते हैं, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का है, कंपाउंडर का है, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। जी, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो बच्चा ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जहाँ से बच्चे पढ़ सकता है? मध्य प्रदेश में अगर बच्चा चाहे तो गवर्नमेंट कॉलेज में इंदौर है, उज्जैन है, ग्वालियर है, भोपाल है, अपना बुरहानपुर है, जबलपुर है, ये कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।